के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, क्योंकि दक्षिण भारत का भी इस मामले पर रुख आना बहुत जरूरी है, क्योंकि भाषा के आधार पर जो सबसे ज्यादा राजनीतिक मुद्दे उठते हैं वो साउथ से उठते हैं। मैं रवुला श्रीधर रेड्डी से पूछता हूं, रवुला श्रीधर रेड्डी जी, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस ऐलान से आपकी पार्टी सहमत है? क्या आप इसका समर्थन करते हैं, स्वागत करते हैं, जो प्रधानमंत्री ने कहा कि अब तीसरी से बारहवीं तक जो एनसीईआरटी का सिलेबस होगा वो 22 भाषाओं में होगा, क्षेत्रीय भाषाओं को महत्व दिया जाएगा? नहीं, क्षेत्रीय भाषा को महत्व देने में कोई इसमें दिक्कत किसी को नहीं रहना चाहिए, मगर एक ही चीज है, हम लोग पहले से एक ही चीज में हमारा ऑब्जेक्शन था कि आप इसके बारे में बात करते हुए कभी अमित शाह जी ने, कभी प्रधानमंत्री जी ने हिंदी भाषा की, जो राष्ट्रभाषा कहते हुए हिंदी का डोमिनेशन के लिए जो कोशिश करते हैं उसके लिए हम लोग, हमारा जो ऑब्जेक्शन थे, हमारा जो रिजर्वेशन थे वो बताए थे, मगर रीजनल लैंग्वेज को भी इम्पोर्टेंस मिलना चाहिए और वहाँ की पढ़ाई या दूसरी चीज जो भी कार्रवाई होते हैं रीजनल लैंग्वेज को भी और इज्जत देने की अगर कोई बात करते हैं उसमें दिक्कत क्या होना चाहिए। तो रेड्डी साहब, आप स्वागत करते हैं पीएम मोदी के इस बयान का? हाँ जरूर, मैं इसमें देखिए हर चीज में राजनीति करने की कोई जरूरत नहीं है, हर चीज में क्रिटिसिज्म करने की कोई जरूरत नहीं है, अगर देखिए, मगर एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है अभी जो नया लाए हैं इसका जो रिजल्ट अभी तक आया कहाँ, अभी तक इसके प्रति और राज्यों में एडिशनल कुछ हुआ नहीं हुआ, अब तक कोई इसका कोई एक अंदाज नहीं है, मगर राष्ट्र भाषा जो हम लोग लैंग्वेज के बारे में प्रधानमंत्री जी ने बोला है, हर भाषा को इज्जत देना चाहिए, रेस्पेक्ट मिलना चाहिए और वही भाषा में पढ़ाई भी होना चाहिए, हर काम होना चाहिए, उसके लिए हमारा कोई ऐतराज नहीं है उसको। चलिए देखिए, ये बड़ा बयान आप दे रहे हैं श्रीधर रेड्डी जी कि आपको कोई ऐतराज नहीं है। मैं एक बार चैनिका जी के पास चलता हूं। चैनिका जी, बीआरएस भी बीजेपी की विरोधी पार्टी है, लेकिन ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान का एक तरह से समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं, आपको क्या दिक्कत है? ये तो शिक्षा से जुड़ा मामला है, बच्चों के भविष्य से जुड़ा मामला है, आप लेकिन स्वागत नहीं कर रहे हैं, आप कई उसमें पॉइंट्स उठा रहे हैं। मैं इसलिए पॉइंट उठा पा रही हूँ क्योंकि मैं शिक्षाविद हूँ और मैं जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं उनको आसानी से समझ पा रही हूँ। मुझे इस बात से कोई एतराज नहीं है कि आप क्षेत्रीय भाषाओं में शिक्षा देते हैं, क्योंकि गांधी ने भी पहले गुजराती ही सीखी थी, उसके बाद अंग्रेजी सीखी थी, तो भाषा को लेकर के समस्या नहीं है। मैंने फिर कहा कि नीयत को लेकर के समस्या है, नीयत को लेकर के लिए मुझे इसलिए समस्या है क्योंकि आप ये तो कह रहे हैं कि स्कूली शिक्षा के लिए हमने जी क्षेत्रीय भाषाओं में सिलेबस भी तैयार कर दिया, सब कर दिया, पर मुझे इसलिए समस्या है कि एक तो आप जो कह रहे हैं कि रीजनल लैंग्वेज में एजुकेशन पहले भी सरकारी माध्यम के स्कूलों में दी जाती थी, लेकिन ये क्या नया नहीं, इंटरमीडिएट तक अलग अलग जगहों पर। आप सुनिए, आपने भी मेरी भी बात का जवाब नहीं दिया कि क्या प्राइवेट स्कूल जिनमें बड़े बड़े नेताओं के बच्चे पढ़ते हैं क्या वहां पे भी आप रीजनल लैंग्वेजेस पढ़ाएंगे? दूसरी चीज ये है, मेरी कहने का तात्पर्य सीधा सीधा ये है कि जो बच्चे पढ़ करके हायर एजुकेशन में जाएंगे तो हायर एजुकेशन के अंदर आपने रीजनल भाषाओं पे कितने इंस्टीट्यूशंस खोलने की तैयारी की? ये बात कर रहे थे, किसकी फंड की बात कर रहे थे, तो मैं इनको बता दूं कि 2004-05 का जो बजट था शिक्षा का वो जो है 11,062 करोड़ के आसपास था, ठीक है, और आपका 2014 का जब यूपीए की सरकार गई है तो ये 79,000 करोड़ के आसपास पहुंच गया था, लेकिन आपका 2021-22 में जो बजट है वो 6% घटा है, बड़ा नहीं है। देखिए, मैंने पूछा इनका, एक सेकेंड मुझे इंटरव्यून करना पड़ेगा। चैनिका जी वैसे विद्वान लगती हैं, सुनिए चैनिका जी, आपने बोला एक बात, आपने मुझे कोट किया इसलिए आप सुनिए चैनिका जी, जवाब ले लेते हैं एक शहजाद पूनावाला। तो ये जो बीच में पढ़कर जो हमारी खेप आएगी डॉक्टर चैनिका, आपने अपनी बात रखी, आपने सवाल उठाए, अब मुझे दो बड़े सवाल उठाए मैं आपके सामने रख देता हूँ, एक स्पष्टीकरण दे दूं जल्दी। मैंने चैनिका जी आपसे स्पेसिफिकली पूछा कि प्रमोशन ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस एक सेपरेट हेड है, उसमें हमने 2,367 करोड़ रुपए दिए, आप अपने कार्यकाल का प्रमोशन ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस का बताने के बदले आप चली गई बताने के लिए कि एजुकेशन का बजट क्या था। मतलब आप बताइए कि राहुल गांधी जी से सवाल पूछा जा रहा है किसी चीज पर, वो जवाब दे रहे किसी और चीज पर, उसी प्रकार से। दूसरी बात, चैनिका जी मेरी बात पूरी नहीं हुई, चैनिका जी कृपया करके अपने समय पर बोलिए, आपकी क्लास में ऐसे ही चलता है क्या? चैनिका जी आपकी क्लास में ऐसे ही चलता है कि आप बीच में बोल पड़ती हैं, आप सुनती भी होंगी ना, या स्टूडेंट्स बीच में बोल पड़ते हैं?
आपने अभी कहा कि प्राइवेट में लागू करो, इधर लागू करो, उधर लागू करो, ये है सिद्धरमैया जी, ये एनईपी का अपोज कर रहे हैं, एनईपी अपोज कर रहे हैं वो। आप बताइए, गजब की बात है, जो काम आपने 60 वर्ष तक नहीं किया हम आज उसको कर रहे हैं, आपके मुख्यमंत्री और आपके नेतागण उसको विरोध कर रहे हैं, और आप प्रवक्ता होने के नाते कह रहे हैं प्राइवेट में क्यों नहीं हो रहा। मतलब आपकी पार्टी का स्टैंड क्या, आप विरोध कर रही हैं या प्राइवेट में चाहती है, बताइए एक पहले। चलिए डॉक्टर चनी का जवाब दीजिए। मैं ये कहना चाह रही हूँ शहजाद जी, आप बातों को भले ही घुमा लें, आप भी इसको अच्छे से समझते हैं कि दो तरह के वर्गीय विभाजन होंगे इससे, सीधा सीधा वर्गीय विभाजन होगा। एक तरफ आप सिर्फ और सिर्फ क्षेत्रीय भाषाओं में पढ़ाने वाले बच्चे होंगे, और एक तरफ वो प्राइवेट स्कूल में पब्लिक स्कूल में पढ़कर आए हैं। सीबीएसई स्कूल प्राइवेट भी होते क्या? मैं वही क्लेरिफिकेशन एक चाह रहा हूं। डॉक्टर चैनिका उनियाल भी है, शहजाद पूनावाला भी। शहजाद पूनावाला, जो कांग्रेस ये सवाल खड़े कर रहे हैं, मैं उस पर आपका एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। यहां पर डॉक्टर चैनिका का यह कहना है कि क्या ये प्राइवेट स्कूलों में भी लागू होगा 3री से 12वीं तक? मैं आपको नोटिफिकेशन, हालांकि जो एनसीईआरटी की बात की जा रही है वो एक सिलेबस कॉमन होता है, अगर मेरी समझ ठीक है तो। एक सेकंड, मैं आपको खोल कर दिखा रहा हूं कि सीबीएसई की सभी स्कूल्स फर्स्ट से लेकर 12th तक 22 लैंग्वेजेस में लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन जो होगा वो रीजनल लैंग्वेज होगा। ये अभी फैसला लिया गया है। अब सीबीएसई के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो क्या केवल सरकारी स्कूल के होते हैं? और दूसरी बात, एनईपी क्या केवल एक ही वर्ग के स्कूल को अप्लाई करता है? ये किस प्रकार का कुतर्क दिया जा रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा। और मैं आपसे चैनिका जी फिर से पूछ रहा हूं, ये काम 60 वर्ष पहले हो जाना चाहिए था, आपने आज तक इसको क्यों नहीं किया? केवल एक भाषा अंग्रेजी को आपने बढ़ावा क्यों दिया? क्योंकि गुलामी के चिन्हों से आपको मोहब्बत है। डॉक्टर चैनिका देखिए, आपको स्पष्टीकरण मिला होगा। डॉक्टर चैनिका एक सेकंड, डॉक्टर चैनिका सवाल देखिए, आपने ये पूछा कि क्या ये प्राइवेट स्कूलों में भी लागू होगा। शहजाद पूनावाला ने सीधा ये जवाब दिया है कि सीबीएसई बोर्ड के जो स्कूल हैं उन सभी में लागू होगा। अब तो आपको जवाब मिल गया, अब आप बताइए क्या आप मैं तो ये सीधा सीधा देखती आई हूँ ना कि क्या? पब्लिक में मंच के ऊपर खड़े होकर झूठ बोलना बड़ा आसान सा काम है। अच्छा डॉक्टर चैनिका जी इतने सालों से आपने इस पर कोई फैसला क्यों नहीं लिया? बार बार जो गुलामी की बात कर रहे हैं ना डॉक्टर चैनिका, आपकी सरकार रही, आपकी सरकार ने इस पर कोई फैसला क्यों नहीं लिया अब तक? आप एक चीज बताइए कि आपको क्या लगता है कि एजुकेशन अभी तक जीरो बट्टा सन्नाटा थी हिंदुस्तान के अंदर? और मैंने तो ऐसा कहा नहीं, लेकिन अगर भाषा की बात हो रही है तो मैं जरूर आपसे पूछना चाहता हूँ। डॉक्टर चैनिका, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जो 22 भारतीय भाषा है उसको लेकर अब तक आपकी सरकारों ने काम क्यों नहीं किया? करते हो 86 के अंदर डिबेट हुए, इस बात का प्रमाण आपको पार्लियामेंट की लाइब्रेरी में मिलेगा। डॉक्टर आप मुझे ये बताइए, आप जो ये एनईपी लाए हो इस पे कितने डिबेट आपने जो है पार्लियामेंट के अंदर किए या पार्लियामेंट के बाहर किए? कितने डिबेट किए, कितने लोगों से आपने वो लिया सलाह ली? आपने बिना किसी सलाह के, बिना किसी डिबेट के एक एनईपी बना दी और उसको लागू कर दिए। सीयूटी आप लेकर के आए हो, उसका हाल पिछली बार एडमिशंस में हमने देखा था। उम्मीद करती हूँ कि इस बार ना हो। डॉक्टर चैनिका आपकी बात पूरी हो गई। डॉक्टर चैनिका जी, आप खुद शिक्षा जगत से जुड़ी हैं। डॉक्टर चैनिका जी, थोड़ा सुनने का भी प्रयास करिए। डॉक्टर चैनिका जी, थोड़ा सुनने का भी प्रयास करिए, सवालों को भी लीजिए, तब जवाब दीजिए।